हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के गांव ध्रोंदला में शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी से रिहायशी मकान जलकर राख हो गया है। आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते दो कमरे स्लेट पोश इमारती लकड़ी घरेलू सामान के साथ साथ 80,000 रूपए नकद भी जलकर राख हो गए। ये आगजनी राम सिंह सुपुत्र लुहणू राम के घर में हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दी गई, लेकिन गाड़ी के पहुंचने तक घर पूरी तरह से जल चुका था। पीड़ित राम सिंह ने बताया कि घर में रखे हुए महंगे उपकरण भी आग की भेंट चढ़ गए हैं और कुछ नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि करीब 5 लाख का नुकसान आंका गया है और प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि मदद की जाए। फायर अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि गांव ध्रोंदला में आगजनी की वजह से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। उन्होंने बताया कि गाड़ी के पहुंचने से पहले ही काफी कमरे जल चुके थे, लेकिन बाद में विभागीय कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। रात को लगभग 2:35 पर अनु राणा ने दूरभाष नंबर 7018384067 से दूरभाष द्वारा सूचना दी कि ध्रोंदला में मकान में आग लगी है। तो क्रियो को घटनास्थल पर भेजा गया तो देखा गया कि केंद्र से लगभग 26 किलोमीटर दूर ये राम सिंह सूत्र श्री लूरू राम की स्लेट पोस्ट दो कमरे थे, ऊपर बड़े फ्लोर पे उनमें आग लगी हुई है, जिसमें कि अनुमानित 6 लाख का लॉस हुआ और स्थानीय लोगों की सहायता से लोगों ने आग पर काबू पाया, जिसमें अनुमानित 6 लाख का लॉस हुआ और जिसमें कि स्लेट पोस्ट दो कमरे इमारती लकड़ी और घरेलू सामान और कुछ उसमें 80,000 की लकड़ी को भी बताया गया कि वो भी इसमें जलकर राख हो गई है। इसके अतिरिक्त अनुमानित 10 लाख का जो लॉस था वो भी उसमें से बचाया गया, जिसमें कि मंजिल मंजिल के कमरों को सुरक्षित बचा लिया, उसमें रखा सरासा उसका सीमान को सुरक्षित बचा लिया गया। तो इस अग्निकांड पर आग काबू पाने के लिए लगभग जो है हमारे को 1 घंटा 16 मिनट का समय लगा और आग को कंट्रोल करने के बाद जो टनल वापस केंद्र पहुंच गया। इसमें मेरा एक पब्लिक के लिए एक सजेशन है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है तो उसको प्रारंभिक स्टेज पर ही जो है तुरंत कॉल जो है अग्निशम केंद्र को दे दी जाए, 101 पर दे दी जाए या 22 25 33 जो तुरंत कॉल दे दी जाए बिना किसी इसमें सपोर्ट की हुए, क्योंकि तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले आग जाने के चक्कर में रहते हैं और आग जो है वो जब उनके काबू से बाहर रहते हैं तब कॉल करने के, तो बजाय इतना डिले करने के जिस तरह से जैसे ही प्रारंभिक स्टेज पर आपने आग को देख लिया चाहे ज़्यादा है चाहे कम है तुरंत जो है अग्निशमन केंद्र को कॉल कर दें, तो इससे जो होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम से कम किया जा सकता है।